व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। नाउ गाइस, इसमें एक ही रिएक्शन दी हुई है, आप कंफ्यूजन मत हो। जहां से मैंने उठाया है क्वेश्चन, बेसिकली वहां पे मल्टीपल रिएक्शंस थी डिफरेंट क्वेश्चन चैप्टर्स की, तो एक ही क्वेश्चन उठाया है, तो आप इसलिए कंफ्यूजन मत हो। एक ही क्वेश्चन है जो आपका हाईलाइट में आएगा और दूसरे चैप्टर्स के थे क्वेश्चन, ठीक है। सो अब देखिए, आपको हीट दिया हुआ है, इथेनॉल दिया है। इस रिएक्शन को देखते नॉर्मली लोग सोचेंगे एस एन टू रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन एस एन टू रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि गाइज अब देखिए बैक साइड से अटैक करेगा तो ऑब्वियसली स्टेरिकली हिंडर्ड होने की वजह से एस एन टू रिएक्शन नहीं होगी। अब इस केस में क्या करेंगे, हीट का यूज होगा। हीट है तो सबसे पहले क्या करेगा, बी आर नेगेटिव निकल जाएगा। बी आर नेगेटिव के निकलने की वजह से आपके पास ये वाला कार्बोकेटायन बन गया। अब ये तो बन गया, अब मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। अब मिथाइल शिफ्ट होगा इधर, इधर मिथाइल शिफ्ट होने की वजह से आपका जो कार्बोकेटायन बना वो टर्शरी कार्बोकेटायन बन गया। अब ये ज्यादा स्टेबल होता है, राइट गाइस। अब क्या होगा, C2H5OH का जो लोन पेयर यहां पे काम आएगा, ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा इधर और आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरह का बन जाएगा। यहां पर OC2H5 जुड़ जाएगा, OH है ऑब्वियसली लेकिन H निकल जाता है, राइट गाइस। सो CH2CH3 आपका जो प्रोडक्ट बना फाइनल वो ये बन गया, राइट। नाउ एक बात और ध्यान रखें गाइस, जो ये वाला जो कार्बोकेटायन बना था, राइट, इसमें C2H5OH के बजाय अगर रिएक्शन ना करे तो एक प्रोडक्ट और बन सकता है, यानी ये प्रोटोन लॉस हो जा सकता है, राइट। प्रोटोन लॉस हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ रिअरेंज हो जाएंगे, सो आपका एक एल्कीन भी बन सकता है। सो आप ये भी ध्यान रखें, राइट, समझ रहे हैं आप, आई होप समझ पा रहे होंगे। प्रोटोन लॉस होता है, सो ये तो अटैक हो गया था SN1 वाला, और ये प्रोटोन लॉस हो गया, ये बन गया। सो दो प्रोडक्ट बने आपके, ये और ये।